नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, जैसे ही नगर निगम चुनाव के बाद रिजल्ट आए और उसके बाद बोर्ड बनाने की बात चली तो बीजेपी में तो मानो घमासान शुरू हो गया, और घमासान भी ऐसा जो अब जग जाहिर हो गया है। पहले कोशिश की जाती थी कि जो आपसी लड़ाई है, गुटबाजी है, उसे दिखाया ना जाए, लेकिन अब बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है, अब हर किसी के सामने आ चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि मेयर के लिए जो ग्रेटर है, जयपुर ग्रेटर है, वहां से सौम्या गुर्जर का नाम भाजपा ने दिया है, लेकिन अब इसी नाम को लेकर घमासान शुरू हो गई है। अब बीजेपी के कुछ विधायक इसके विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि सौम्या गुर्जर करौली से हैं, अब ऐसे में उनको जयपुर से मेयर प्रत्याशी क्यों बनाया गया है, जबकि यही के लोगों के साथ ये गलत होगा, कुठाराघात होगा, यहाँ के लोगों को मौका दिया जाना चाहिए था। अब इस पर विधायक नरपत सिंह राजवी ने आरोप लगाया है कि किसी भी विधायक से पूछा नहीं गया, संगठन ने सारे फैसले खुद लिए हैं। दरअसल ये आरोप सीधा सीधा सतीश पूनिया पर लग रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, कहा जा रहा है कि वो इन दिनों ज़्यादा सिर्फ अपने गुट के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, अन्य लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और यही आरोप दूसरे गुटों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो उनका सीधा आरोप है राजवी का कि विधायकों से पूछा तक नहीं गया, यहाँ तक कि फोन तक करके एक बार उनसे जानकारी नहीं ली गई, उनसे पूछा नहीं गया, राय नहीं ली गई, और उसी के साथ जब पार्षदों के टिकट दिए गए थे उस दौरान भी विधायकों को बिल्कुल एक साइड कर दिया गया था। ऐसे में अब जो विधायक लॉबी है वो एक तरफ होने लगी है और संगठन के विरोध में खुलकर बोलने लगी है, जिसमें शुरुआत नरपत सिंह राजवी ने कर दी। कालीचरण सराफ पहले भी बोल चुके हैं, अन्य कई विधायकों की बीच बीच में इस तरह बयान आते रहे हैं, लेकिन अब ये मुद्दा ज्यादा गर्मा गया है। वहीं बात करें संगठन की, तो कहा जा रहा है शुरू से संगठन की तरफ से पूरे पार्षदों के लिए जो टिकट वितरण किया गया था, और उसके बाद जब बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, उसका ठीकर अभी सतीश पूनिया के सर पर ही फोड़ा जा रहा है। वहीं बात करें जो ये पूरा मामला हुआ है सौम्या गुर्जर का, इसमें कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया और संगठन की ज़्यादा राय शामिल रही है और उन्होंने सौम्या गुर्जर का नाम आगे किया है, जबकि किसी से कोई राय सलाह मशवरा नहीं किया गया है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो आपसी लड़ाई है अब वो सड़क पर आ चुकी है। इसके बाद गुलाब चंद कटारिया के भी बयान आया, उनका कहना है कि जो नरपत सिंह राजवी ने जिस तरह का बयान दिया है वो गलत है, बाकी उनकी अपनी राय है। हालांकि उनका एक पॉइंट ये भी है, उन्होंने नरपत सिंह राजवी पर एक तंज भी कसा है कि उनको भी चित्तौड़गढ़ से जयपुर लाकर चुनाव लड़वाया गया था। साफ तौर पर आपसी लड़ाई देखी जा सकती है, मनमुटाव देखा जा सकता है, खींचतान देखी जा सकती है। अब देखना होगा कि बीजेपी की संगठन और जो ये विधायकों और अन्य जो आपसी गुटों में, दो गुटों में जो बढ़ चुकी है बीजेपी और जिस तरह की खींचतान चल रही है, ये आने वाले चुनावों में बीजेपी को कहाँ लेकर जाती है, और क्या इन सबका कारण वसुंधरा राजे है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गेम प्लान बना रही हैं, और वो गेम प्लान आने वाले समय में सतीश पूनिया गुट के लिए भारी हो सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।